हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे ना? बड़े होंगे आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार और छोटों को ढेर सारे प्यार है। मेरा नाम ललिता है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों और गाँव से आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। भाभी को बोला था काफल खाने चलते हैं जंगल में, तो भाभी ने यहाँ काम भी पूरा नहीं हो रहा उनका, तो कहाँ से आती हो? पहले बोला था चलेंगे करके, तो बोले है टाइम ही नहीं मिला, सुबह से काम पर लगी हूँ तो जंगल जाने का टाइम नहीं मिला करके। आज जो है हमने काफल खाने का प्लान बनाया था जंगल जाने के लिए, तो भाभी ने बोला मेरा काम ही पूरा नहीं हो रहा तो कहाँ से जाऊँ, वह दूर जंगल जाना पड़ता है ना काफल खाने। यहाँ सिर्फ बाज और चीड़ के पेड़ हैं, काफल के पेड़ नहीं होते हैं। यहाँ मिलेंगे तो एक या दो पेड़ मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं काफल के पेड़। वह दूर जंगल जाना पड़ता है काफल खाने, तो मन कर रहा था भाभी का काम भी पूरा नहीं हुआ यहाँ, ये इतना सारा काम करना पड़े इनको, तो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। तो आप लोग भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आइए, आजकल काफल लोहरी बहुत ज़्यादा है, काफल खा के चले जाना आप लोग भी। ठीक है, आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, दिन में गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा और सुबह और शाम को बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी साफ हुआ है और ऊपर पहाड़ों में जंगलों में आग लगा रही है लोगों ने, बहुत ज़्यादा आग लगा ले रहे हैं आजकल। इतना सारा आग लगा है पूरा जंगल में कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। एक तो यहाँ दिख रहा है आगे और दूर के जंगल हैं जो वहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब धुआं धुआं हो गए। अगले महीने देखना पूरा अंधेरा जैसा हो जाएगा, बादल जैसा, बिल्कुल किसी का भी घर नहीं दिखाई दे रहा है हमको। इस शहर को साफ हुआ है, हमारे वहाँ का जंगल है, यहाँ शायद आग नहीं लगी है जंगल में, सब दिख रहे हैं। बंदरों से बचने के लिए अच्छा जुगाड़ गया है खेत में, आलू के खेत हैं, आलू बोर है इसमें, अच्छे बोर के आलू की फसल भी यहाँ पर, और यहाँ मूली बोर की है, मूली भी इस बार अच्छी बोर की है, अच्छा जुगाड़ गया है। ऊपर वाले खेत में प्याज है। ये अच्छा महन भाई, ये बोई भाई या नहीं भाई, ये ना पिछले सब हो गया आलिया जानी है भाई, ये जब बोई भाई पर जब माने चूटियो या नहीं भाई, मशहूर है ये, इतने ही इसे मशहूर बहुत भाई। तू तू जो बोलो सिंह मणि से आई, तू तू माय हालियो स्वेड मेड जो सनी मशहूर, तो इतना ही भाई सब ज्यादा भूषण निकल है इसे इतने सारे भूये मणि भाई, साल भर मेहनत आते हैं लास्ट में इतने ही मिलते हैं हम लोगों को। का बानर का पथिल आफत आफत सब बहनों बैठे नहीं गए, सुबह से दोपहर से लगी मैं काफल खाने को तो नहीं गए हैं, तो मटर खाते हुए इनको सब पूरा साफ करके जाऊंगे इनको, जब तक खत्म नहीं होंगे ना तब तक खाते होंगे इनको, तो आप लोग भी खा ले जाएंगे मटर। ये मसूर क्वेश्चन यो इनको खा लियो मणियो, ये जहरी नहीं आई, ये मणि जहरी नहीं इनको मैंने खो में खा लो तब जानी मैंने मर लो। ओखली में जाना पड़ता है ना, घर से बहुत दूर है यहाँ से, किसी किसी घर में होते हैं ओखली तो किसी घर में नहीं होते हैं, जिसके घर में नहीं होता है ना तो वो दूसरे को घर दूसरे वाले घर में जाते हैं बाखी में। ओखली होता है ना पत्थर से बना हुआ, बहुत बड़ा पत्थर होता है उसमें गोल गड्ढा सब होता है, उसमें पूरा पत्थर का बना होता है गोल, तो फिर वहाँ जाके दिखा दूँगी आपको कैसे होते हैं ओखले करके। अरे पहाड़ी और कुमाऊनी भाषा में उसको जो है पहाड़ी में अखू बोलती हूँ, तो अखू कुट जानू धान कुटू जानू, पहले तो बहुत ज़्यादा काम होता था ओखली में, अब सब बंद कर देखे सबने। यह है ओखली, पूरा पत्थर का बना हुआ है और उसके चारों तरफ सीमेंट क्या हो गई है, क्योंकि ओखले में जो है धान कोटे टाइम मिट्टी या पत्थर चले जाते हैं ना, तो इसलिए सीमेंट क्या है इसके चारों तरफ भी। ये पत्थर है, ये गोल बनाया हुआ है इसमें, पूरा पत्थर है, तो अभी इसमें कोटे के मशहूर जो
اوخلي میں کوٹن جسے کوٹتے ہیں نا اس کو موسل بولتے ہیں موسل سے کوٹا جاتا ہے اس میں ابھی دیکھنا موسل کیسا ہوتا ہے اس کو بھی دکھاتی ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہے موسل اس کے نیچے جو ہے لوہے کا بنا ہوا ہے اسی سے کوٹا جاتا ہے اس میں اور اوپر کو لکڑی سے بنا ہے پورا کوٹنا شروع ہو گیا بھابھی کا ادھر موسل ڈالنی تھی اوکھلی میں تو ابھی اس کو کوٹیں گے ہم مسل سے جو ہے یہ اس کے اندر سے مسور نکالیں گے چولہے اوپر کو سے یہ ایسے کوٹیں گے ابھی الٹے سائڈ سے کوٹ رہے ہیں کاٹ ڈال دو اچھا دھان کو سائڈ سے کوٹیں گے چھوٹے سائڈ سے چولہے کا گول گول بنے گا ایسے کوٹیں گے اس کو بیج الگ کریں گے اور جو بھوسا ہے نا اس کو الگ کریں گے ایسے کوٹے ہیں اوکھلی میں اور یہ جوش میں دیکھا یہ جوش میں اور یہ مشہور چھو یہ جوار سے یہ کھنا بھائی تو آگا وہ رہا ہے مشہور اور گھر دے تو ہم نل بھائی بھلا ہے رہا مجھے بھلا ہے رہا اور یہ جیتنا کھانا ہمیں نہیں بھائی جرا مشہور کو نہیں کھانا پہ کسی کو تھی بھائی پہاڑ میں کھو ہے ہم کھو ہوں نہیں یہ مشہور بھائی نانتے نو ہے پریشان کر دیں گے ارے بھائی چھان رہے ہیں آدھا نکال دے آدھا چھان رہے ہیں جب وہ پورا ہو جائے گا تو پھر اس کو نکالیں گے پھر اس کے بعد جو کا کام آئے گی جو بھی کوٹنی ہے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے یہ اور یہ مشہور ہے ایسے چھانتے سوپ سے سوپ ہی بولتے ہیں اس کو میرے پہلے بات ہوں ویسے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو سوپ ہی بولی سوپ ہے بہت دور سے آتے ہیں اس کو بیچنے ہاں ہمارے کو ماما گڑھوال سائڈ سے آتے ہیں بہت مہنگے بھی آتے ہیں زیادہ میلے میں دیکھنے کو ملتے ہیں